फिटनेस कॉर्नर, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आमले का पाउडर किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत आसान तरीका है आमले का पाउडर बनाने का, और ये आमले का पाउडर बहुत सारी रेसिपीज में हमारा यूज होता है। तो चलिए बहुत देर न करते हुए शुरू करते हैं रेसिपी। सर्दियां आ गई हैं और बाजार में आमले बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने शुरू हो गए हैं, तो ये आमले को हम पाउडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आमले के बहुत सारे फायदे हैं। आमला जो है वो हमारी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बहुत आसान है इसे बनाना, और एक बार आमले का पाउडर बनाकर रख लो तो पूरे साल ये खराब नहीं होता, अगर अच्छे से इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर किया जाए तो। और ये पाउडर को बहुत सारी रेसिपीज में हम यूज कर सकते हैं। अगर हम हेयर्स पे मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी के अंदर आमले का पाउडर अगर हम मिक्स करते हैं तो मेहंदी का कलर जो है वो डार्क हो जाता है, वो मेहंदी वाला कलर हमारे हेयर्स पे नहीं रखता, डार्क कलर काले रंग का हो जाता है। काबुली चने जब हम बनाते हैं तो उसको बॉईल करने के टाइम अगर हम आमले का पाउडर उसमें थोड़ा सा डालेंगे तो हमारे चने जो है उसका कलर बिल्कुल ब्लैक बनेगा, एकदम बाजार जैसे बनेगा, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। ऑयल के अंदर मिक्स करके भी हम आमला का पाउडर हेयर्स पे लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी डैंड्रफ दूर होगी। तो इस तरीके से आंवले के पाउडर के बहुत सारे फायदे हैं। तो ये आंवले का पाउडर किस तरीके से बनाया जाए आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये हमने 400 ग्राम के करीब आंवले लिए हैं जिसका हम पाउडर बनाने वाले हैं, और इसको हमें अच्छे से वॉश कर लेना है, और वॉश करके इसको हमने अच्छे से पोंछ लिया है कपड़े के साथ। तो ये हमने आंवले को अच्छे से धोकर पोंछ लिया है, और अभी हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट के ऊपर हम ग्रेट करेंगे, ग्रेटर के मदद से आमला लेंगे। और आमले जो है वो आप साफ सुथरे इस तरीके से चूज करें, दागे नहीं होने चाहिए, और इसको अच्छे से धोकर पोंछ कर हमें ग्रेट करना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने आमले को ग्रेट कर लिया है, और ये गुठली जो है उसको डिस्कार्ड कर देना है आपको, सभी आमलों को आपको ग्रेट कर देना है। तो ये हमारे आमले जो है वो सभी ग्रेट हो गए हैं, और उनकी गुठलियां अलग कर दी है हमने, अच्छे से फैला देना है। अगर आपके आमले ज्यादा हैं तो आप दो प्लेट्स में इसको फैलाएं ताकि ये जल्दी से सूख सके, और इस तरीके से हमें पूरी प्लेट पर इसको फैला देना है। बाजार से भी बहुत आसानी से आंवले का पाउडर मिल जाता है, लेकिन वो प्योर है कि नहीं इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। तो घर पर अगर हम आंवले का पाउडर बनाते हैं तो एकदम से प्योर होगा और बहुत ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। ग्रेटेड आंवले को स्प्रेड कर दिया है, अभी इसको हम एज इट इज सूखने के लिए रख देंगे। ये हमें धूप पर नहीं सुखाना, अगर हम धूप में इसको सुखाएंगे तो ये काले पड़ जाएंगे, इसको छाया में ही अंदर ही हमें सुखाना है, और इसको अभी हम सूखने के लिए रख देते हैं। तो ये हमारे आमले सूख गए हैं, 4 दिन लगे हैं इसको सूखने में, और क्योंकि सर्दियां हैं और इसे अंदर ही हमें सुखाना है, और इसको पंखे के नीचे हमें 4 दिन लगे हैं सुखाने में। तो अच्छे से ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं, अभी हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो उसके लिए हमें मिक्सी का एक जार लेना है, और इसके अंदर हम डालकर इसको ग्राइंड करेंगे और पाउडर बनाएंगे। तो ये हमने मिक्सी के अंदर डाल लिया है आमलों को, और अभी इसको ग्राइंड करके पाउडर बनाते हैं। तो ये हमने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है आंवले का, ये देखिए कितना व्हाइट बना है। इसको अगर हम धूप में सुखाते तो ये डार्क कलर का हो जाता, काला पड़ जाता, लेकिन इसको हमने छाया में सुखाना है, और छाया में सुखाया है इसलिए इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। अभी इसको हम सीव कर लेंगे, अगर हमें इससे भी ज्यादा फाइन पाउडर चाहिए तो इसको हमें
छानना होगा। इस तरीके से छन्नी में से हम पाउडर को छान लेंगे और हमारे पास एकदम से फाइन पाउडर आंवले का बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमने छान लिया है पाउडर को और ये हमारे पास बहुत ही फाइन पाउडर आंवले का तैयार हो गया है, जिसको हम भी हम कांच के बॉटल में भरकर स्टोर कर लेंगे और ये पूरे साल हम इसको यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। तो ये हमारे पास आंवला का पाउडर बनकर तैयार हो गया है, इसको हमने कांच की बॉटल में डाल दिया है, पूरे साल हम इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज में ये काम में आएगा और मुझे उम्मीद है आपको भी ये प्रोसेस इजी लगा होगा और आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। आजकल आंवले का सीजन है तो आप भी आंवले लेकर उसको ड्राई करके इसका पाउडर बनाइए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, बाय बाय।